पीसीआर आ रही है, घुस जा नीचे उतर, नीचे उतर, पीसीआर आ रही है। मैं पहुंच चुका हूं इस समय दिल्ली के उस दरवाजे के पास जहां पे इतिहास में सबसे ज़्यादा मौतें हुई होंगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे सबसे ज़्यादा डेथ हुई होगी वो जगह यही है, और यहाँ पे जो जिनकी मौतें हुई हैं वो लोग अपने होने का एहसास कराते हैं, ऐसा यहाँ के लोकल्स बोलते हैं, और इसको दिल्ली की टॉप हॉन्टेड जगहों में से गिना गया है। तो ये है दिल्ली का खूनी दरवाज़ा। इस जगह से लोग डरते क्यों हैं, क्यों आधी रात के बाद कोई यहाँ टिक नहीं पाता है? ये जगह दिल्ली के एकदम बिजी रोड के बीचों बीच है। आप देखेंगे मेरे दोनों तरफ गाड़ियाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, और यहाँ पे कभी भी ट्रैफिक नहीं थमता। तो इतनी चहलकदमी होते हुए भी लोगों को यहाँ पे डर क्यों लगता है, क्यों कोई आधी रात के बाद यहाँ टिक नहीं पाता? आज मैं यहाँ पे रात गुजार के यही फाइंड आउट करूंगा कि यहाँ पे क्या सचमुच ऐसा कुछ है कि इसको दिल्ली की टॉप हॉन्टेड जगहों में गिना जाए जो अभी तक गिना जा रहा है। इसके दरवाजों को अच्छे से लॉक किया गया है, चेन लगा के बंद कर दिया गया है, यहाँ पे एंट्री बंद हो गई है। वैसे तो इतिहास में यहाँ पे बहुत ही ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको लेके अगर पुरानी बातें सोचें तो लोगों के मन में डर बना रहता है। तो यहाँ पे रीसेंट जो बात हुई थी जिसकी वजह से ये लॉक कर दिया गया है, यहाँ पे सामने मौलाना अब्दुल कलाम मेडिकल कॉलेज है। कुछ वक्त पहले यहाँ की एक लड़की को कुछ लड़के ड्रैग करके यहाँ अंदर ले गए थे और उन्होंने उसके साथ रेप किया, तो उसके बाद से अथॉरिटीज़ ने इसको लॉक कर दिया ताकि ये अंदर जाके लोग कुछ गलत चीज़ें ना करें, नशेड़ी वगैरह लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट इसको अब लॉक करके सेफ करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. यहाँ से वो जगह दिख रही है जहाँ से सूरज ने देखा था उस आदमी को खड़े हुए, और वो इतनी समतल जगह है और ऐसी जगह है कि यहाँ से साफ दिख रही है, और वहाँ पे अभी कोई भी नहीं है। ये जो सामने लेफ्ट साइड से पांचवा पिलर है, यहाँ पे बंदा आगे आगे खड़ा हुआ था, 2, 3, 4, 5वीं पे खड़ा था, 1, 2, 3, 4, 5वीं पे खड़ा था बंदा, इन पिलर के बीच में से या आगे आके खड़ा हुआ था? अरे बिल्कुल वहीं पे खड़ा था भाई। फिर कोई आत्मा वहाँ पे कोई क्यों खड़ा होगा? वो तो खाली है, वहाँ ऊपर छत पे कुछ नहीं है, सिर्फ यही है, इसके पीछे कुछ नहीं है। ये वो जगह है जो निकली हुई वहाँ से हमें समतल दिख रही है। तो इस जीने से ये जो खड़ी हुई जगह है इस पे अगर बंदा दिखा है तो इस पे बंदा हो ही नहीं सकता, है ही नहीं भाई, कोई नहीं है ही नहीं, है ही नहीं, यहाँ पे कोई नहीं हो सकता, इसने कुछ देख लिया है।
पीसीआर आ रही है, घुस जा नीचे उतर, नीचे उतर, पीसीआर आ रही है। वो देख पीछे एक और पीसीआर आ रही है। ये कांटे के तारे हैं, बैग कहाँ टंगेगा, इसमें से निकलना थोड़ा मुश्किल है। तो ये कांटे के तारों में से निकलेंगे पहले हम। सो इजी बना दिया, ला बैग दे दे। इंटरनेट की हिस्ट्री में पिछले कुछ साल में पहली बार कोई यहाँ पे घुसा है। काफी अंधेरा है ना, और ये फर्स्ट फ्लोर है। और अभी हम इसके खूनी दरवाजे के फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं, और ये फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ये छोटी सी गुफा जैसी जगह है जिससे सारी जगहें मेन रोड की अलग अलग जगह से झरोखे हैं एक तरह से। ये एक पहला झरोखा है, ये बाहर का नजारा है यहाँ का। और ये यहाँ पे कुछ बना हुआ है, मालूम नहीं क्या है, किस लिए बनी है इस तरह की चीज। और ये रोड के साथ का झरोखा है, ये सामने कॉलेज है, मौलाना अब्दुल कलाम डेंटल कॉलेज। और छत की हाइट बहुत कम है यहाँ, 7 फीट है। 7 फीट ये यहाँ पे आके तो और भी कम हो जाती है। जैसे छत 8 फीट होगी, और ये तो 6.5 फीट तक होगा। ये इसी तरह का बड़ा झरोखा, काफी सारी जगह है यहाँ तो। और ये दरवाजा पिछली बार, ये दरवाजा हमने पिछली बार खोला था जब मैं यहाँ से गया था, और जो मेरे साथ था उसको ऊपर कुछ कोई खड़ा हुआ दिख गया था, और फिर हम सिर पे पैर रख के यहाँ से भाग लिए थे, और सोचा था कि दोबारा आके देखेंगे कि क्या है। तो फाइनली देखने आए हैं, जतिन के साथ आया हूँ, ये मेरा थोड़ा डर कम कर देता है। तो अब ऊपर चलते हैं, इसका फर्स्ट फ्लोर पूरा हो गया, सेकंड पे चलते हैं। ये चेयर देख के ऐसा लगता कि कोई गार्ड है, काइंड ऑफ। ये बहुत ही खूबसूरत और बड़ी छत है। यहाँ पे दो तरफ से एंट्री होती है सीढ़ियों से, एक जो एंट्री से हम आए हैं ये एंट्री है, और दूसरी एंट्री ये है। ये चेन से लॉक्ड है तो इसलिए यहाँ से हम आए नहीं थे, हालांकि ये भी सेम रोड की उसी तरफ से झरोखे बने हुए हैं। और यहाँ पे वाटर आउटलेट के सिस्टम्स लगे हुए हैं, ये
जगह जगह, सामने फिरोज शाह कोटला। और ये इस तरह की सीढ़ी सेम इसी तरह का मतलब एक मिरर इमेज है जो इधर से और उधर की तरफ जा रही है। और बहुत अच्छा बरामदा है, यहाँ तो कैंपिंग करने में भी मज़ा आएगा रात को। काफ़ी सुंदर जगह है, और अंदर से दिखाता हूँ मैं। ये पूरा खुला है यहाँ पे रोशनदान, सामने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है। और सेम बिल्कुल मिरर इमेज दूसरी साइड में, ये 1400 समथिंग की है। ये बहुत तेज लाइट पड़ रही है सीधी। चलते हैं अब इसके ऊपर का फ्लोर जो फाइनल फ्लोर है। पिछली बार यहां से मैं जैसे ही चढ़ने वाला था ना, तो सूरज चिल्ला के भागा। यहां से भाई किसी को भी नजर आ सकते हो। तो ये हम टॉप फ्लोर पे आ गए, खूनी दरवाजे के टॉप फ्लोर पे पहली बार कोई आया होगा और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। और बहुत तेज फ्लड लाइट हमारे ऊपर ही पड़ रही है सीधी। ये एक और सीढ़ियाँ हैं, सेम वैसी सीढ़ियाँ जैसी पहले थी। बैठे भाई, कितनी प्यारी जगह है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आके। एकदम टॉप पे बैठे हैं, मेन दिल्ली की सड़कों दोनों तरफ सड़क जा रही है। मैं अब यहाँ पे माइक्रोवेव सेंसर लगा रहा हूँ ताकि हम ये देख सकें कि कोई मूवमेंट और भी है क्या हमारे सिवा। इस लाइट पे यहाँ सेंसर लगा है और ये सेंसर कोई भी मूवमेंट होने पे लाइट को जला देगा। तो हम इसको वहाँ रखते हैं जहाँ सूरज को कोई दिखा था, और फिर देखते हैं हम कि ये कुछ होता है या नहीं। ये लाइट में वहाँ रख के आता हूँ। ताकि हम इसके दायरे में ना आए। और अब इस पे नज़र रखते हैं। अब ये 30 सेकंड बाद लाइट बंद हो जानी चाहिए, और उसके बाद अब लाइट बंद हो गई है। और अब अगर वहाँ पे कोई भी एनर्जी का मूवमेंट होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं, लाइक मैं अगर कुछ फेंक दूंगा कपड़ा वपड़ा, तो उससे कुछ नहीं होगा। कोई एनर्जी आएगी जो जिस बॉडी से इंडक्शन होता है, तब वो लाइट जलेगी। अब हम कुछ देर यहाँ बैठ के देखेंगे कि ऐसा कुछ यहाँ पे होता है या नहीं होता। वो लाइट हमें यहाँ 10 मिनट हो गए हैं और वो लाइट में अभी तक कोई मूवमेंट नहीं दिखी है, बंद ही पड़ी है वो लाइट। और मैं वहाँ जा के दिखाता हूँ कि वो लाइट कैसे काम करती है। भाई मैं अब वहाँ जा रहा हूँ, और मेरे मूवमेंट से ये लाइट आप देखेंगे कि ये, मैं जैसे इसके पास से या इतनी दूर से भी जाने की कोशिश करता हूँ, तो वो लाइट जैसे जल गई है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इस लाइट से बच नहीं सकता, जो भी पैरानॉर्मल हो सकता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। तो फिलहाल अभी वेट कर रहे हैं और थोड़ी देर वेट करेंगे। मैं ये ऑब्जेक्ट फेंक के देख रहा हूँ वहाँ पे कि क्या ऑब्जेक्ट से भी वो रिएक्ट करती है लाइट। नहीं करती, ऑब्जेक्ट से रिएक्ट नहीं करती ये लाइट जो है, वो बॉडी ही सेंस करती है। मैं अगर इसके सामने नहीं आता, मैं इसके पीछे से निकलता हूँ, उसको देखते हैं जो मैकेनिज्म है, वो रेंज जिसका इसके सामने से ही कुछ डिग्री का है। तो अगर हम उस रेंज में आएंगे तभी ये जलेगी।
अब जैसे जतिन इस रेंज में आया है तो ये जल गई है। यहाँ से कुछ आवाज आ रही है पीछे से। कुछ है नहीं वैसे तो। इस एरिया में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है और काफी सेंसिटिव एरिया है यहाँ। शायद स्टेडियम है या मुझे नहीं पता किस वजह से है सेंसिटिव, लेकिन सेंसिटिव है। शायद बहुत पेट्रोलिंग हो रही है, बाइकर पुलिस वाले बहुत जा चुके हैं, पीसीआर जा रही हैं, सामने बैरिकेड्स लगे हैं। शायद कोई इवेंट हो या फिर रेगुलर यहाँ पे इसी तरह का होता। मैं 3 बार आया हूँ, 3 बार ऐसा मैंने देखा है। अभी यहाँ पे हमको बैठे बैठे करीबन 1.25 घंटा हो गया और 1.25 घंटे में हमको कुछ भी नहीं मिला। वो लाइट हमारी वैसी की वैसी पड़ी है, ना जली है और ना हमको अपनी आंखों से ऐसा कुछ यहाँ पे दिखा है। जैसा कि यहाँ के बारे में बोला जाता है कि ये बहुत हॉन्टेड जगह है और यहाँ पे बहुत सारे कत्ल हुए हैं, वो सब हिस्ट्री में हुआ होगा ज़रूर, लेकिन जो चले गए वो चले गए, वो यहाँ पे रहते नहीं हैं। जैसी इस तरह की बातें बोली जाती है वो सब गलत ही लगता है मुझे अभी तक। अभी हम कुछ देर और यहाँ पे रुकेंगे अलग अलग फ्लोर्स पे। अब टॉप फ्लोर पे हमने काफ़ी टाइम बिता लिया है, अब हम नीचे के फ्लोर पे जाएंगे और वहाँ पे थोड़ी देर देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ऐसा कुछ होता है। एक बार और इसका नज़ारा आप देख लो ये कैसा लगता है। ये हमारी लाइट पड़ी है, अब तो इसको उठा ही लेते हैं। अब हम दूसरी वाली सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं। ये इसका सबसे बड़ा बरामदा है, ये सेकंड फ्लोर है इस जगह का और काफी खुला है। जैसा आप देख पा रहे हो कि काफी खुला एरिया है, ये बहुत ही ज्यादा खुला और बहुत ही अच्छा। यहाँ पे भी हम अपना सेंसर रख देते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कोई एक्टिविटी होती है। जतिन भाई एक बार सेंसर लगा देना। ये पानी है क्या है? पानी कहाँ से है? ये कुछ अब ये सेंसर लगा दिया हमने। रिपेयर किया है ये? रिपेयर नहीं है, इसको उखाड़ेगा तो ये बना जाएगा। अच्छा, इसके नीचे है लेंटर, वाटरप्रूफ बनाने की कोशिश। ये पत्थर है, पत्थर के ऊपर चूना है, उससे ऊपर बना। लेंटर का सिस्टम नहीं होता पहले जमाने में, तो हमें लेंटर जानते हैं। अच्छा, वही जो ये जोड़ जोड़ के बनाया है। ये अभी तक जल रहा है, हम यहाँ खड़े हैं इस वजह से। दीवार के वहां पे भी खड़ा हो जाएगा तो भी जल जाएगा। अब ये बंद हो गया और अब हम कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे और देखेंगे कि ये बंद रहता है या जलता है किसी ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे जो क्या नाम था, सूरज को यहाँ पे कोई छत से खड़ा हुआ देख रहा था, उसको ऐसा महसूस हुआ था और वो उसी टाइम वहां से नीचे भाग चला था। ओ, हमारा ऑब्जेक्ट जला था भाई, जला गया। फ्लैश के साथ खींच देना एक ही। ना फ्लैश में नहीं। हमें यहाँ पे भी काफी देर हो गई है, अब हम नीचे जा रहे हैं और इस टाइम करीबन रात का 1 बज रहा होगा और अब घर जाने का टाइम हो गया है। तो एक बार एक के नीचे के फ्लोर में थोड़ी देर काट के देख लें। टॉप फ्लोर देख लिया हमने, अब हमने ये इसका सेकेंड फ्लोर देख लिया और अब इसके फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं हम लोग। ये छोटी सी सीढ़ियाँ हैं, इसके नीचे जा रहे हैं।
निकल आए और यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। बहुत देर हमने यहाँ पे बिताई है और बहुत कूल जगह है, हालांकि अलाउड नहीं है यहाँ आना, तो आप कोशिश मत करिएगा। तो आज का यहाँ का हमारा एक्सप्लोरेशन यहीं ख़त्म होता है। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि हम पॉपुलर हो जाएँ और हमारी फैमिली बड़ी हो जाए। और ऐसी अगली जगह जल्दी से हम चूज़ करके इसी हफ्ते में एक और वीडियो डालने वाले हैं, तो रेडी रहिएगा। बाय।